हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लगे होंगे। जैसा आपको पता है कि अभी हम लोगों ने ब्लैक बुक की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं आपको ब्लैक बुक के सारे वोकैब डिस्कस कराऊंगा, वो भी आसान ट्रिक्स, नेमोनिक्स और पिक्चर टेक्निक के माध्यम से। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इडियम्स। ठीक है, तो इडियम्स का ये पार्ट वन होने वाला है। इससे पहले मैंने एक क्लास करवाई है वन वर्ड की, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूंगा इस क्लास के एंड होने के बाद आप उसे जरूर से जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते अपने क्लास को और जानते हैं कि आज का पहला इडियम कौन सा है। तो जो पहला इडियम है वो है अ बैड हेयर डे, मतलब क्या होता है, मनहूस। ठीक है, आपका क्या है, हेयर, बाल कैसे हैं, बिखरे हुए हैं, तितर बितर हुए हैं, मतलब क्या है, आपका दिन मनहूस चल रहा है। अ डे ऑन विच एवरी थिंग सिम्स टू गो रॉन्ग, ऐसा दिन जिस दिन आपको लगे कि जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, सारे चीज क्या हो रहा है, गलत ही हो रहा है। जैसे कि आप रिपेयर करने गए कोई इक्विपमेंट और उसके वायर कटे हुए थे और आपने उसको टच कर लिया, ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, तो क्या था, आपके लिए बुरा दिन था, क्योंकि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो बुरा होता चला जा रहा है। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इस idiom को वो भी देख लो। आई एम हैविंग अ बैड हेयर डे सो आई हैव डिसाइडेड टू जस्ट स्टे होम एंड रेस्ट टुनाइट, कि मेरा आजकल मनहूस दिन चल रहा है तो मैंने क्या डिसाइड किया कि आज मैं घर पे ही रुकूंगा और रात में चैन से आराम करूंगा। ठीक है, घर पे रह के ही आराम करूंगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ बैड पैच, मतलब क्या है, कठिनाई का दौर। ठीक है, बुरा धब्बा हो जाए किसी भी जगह पे, जैसे कि ऐसे मान लो कि आप व्हाइट बेडशीट खरीद के लाए, न्यू ही था, उसमें क्या हो गया कि काले काले धब्बे लग गए कहीं से, तो क्या होगा, आपके लिए डिफिकल्टी वाला काम होगा कि नया बेडशीट लाया था, अब उसको धोना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, काले काले धब्बे आ गए। ठीक है, तो अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टीज को ही बोलते हैं अ बैड पैच। ठीक है, ऐसे समझ लो कि आप कहीं पिकनिक पे जा रहे थे, बहुत ही एक्साइटेड थे और रास्ते में क्या हो गया, सुनसान जगह पे आपका टायर पंक्चर हो गया, तो आप क्या करोगे, उस पंक्चर को बनाओगे, खुद से रिपेयर करोगे, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक कठिनाई का दौर। सेंटेंस देख लो, अ फ्यू वीक एगो ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ बैड पैच। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते। नेक्स्ट इडियम है अ बेड ऑफ रोजेज। ठीक है, आपका जो बिस्तर है वो किससे बना है, गुलाब की पंखुड़ी से सजा हुआ है। ठीक है, उसमें खाली गुलाब की पंखुड़ियां हैं, मतलब क्या, आपके लिए बहुत ही आरामदायक स्थिति है। ठीक है, एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन। ठीक है, इस पिक्चर से तो आप रिलेट कर लिए होगा कि कब आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है, बेड रोजेज का, तो ये एक आरामदायक स्थिति होगा। ठीक है, चलिए इसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं वो भी देख लेते हैं, कि वेट लॉस इज अ चैलेंजिंग टास्क नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। ठीक है, वजन घटाना एक क्या है, चैलेंजिंग टास्क, कोई मखमल का बिस्तर नहीं है, मतलब बेड ऑफ रोजेज नहीं है, आरामदायक काम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अ बी हाइव, मतलब क्या है, व्यस्त जगह, ऐसी जगह जो एकदम बिजी हो, अ बिजी प्लेस। ठीक है, अगर आपने मधुमक्खी के छत्ते को देखा होगा तो क्या होता है, बहुत ही बिजी होता है, एक मधुमक्खी जाएगी, ठीक है, तो एक कहीं ना कहीं से आएगी, ठीक है, एक जाते रहेगी, एक आते रहेगी, तो क्या होगा, एक बिजी जगह होगा। ठीक है, अब बिजी प्लेस के लिए हम लोग यूज करते हैं अ बी हाइव। ठीक है, द ऑफिस वाज सीटिंग लाइक अ बी हाइव व्हेन सी गॉट। ओके, सेंटेंस में कैसे यूज करना है मैंने ये भी बता दिया। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ बिग ड्रॉ, मतलब क्या है, बहुत बड़ा आकर्षण। ठीक है, ह्यूज अट्रैक्शन जो भी होगा उसको हम बोलते हैं अ बिग ड्रॉ। जैसे कि आप लोग शॉपिंग करते होगा ऑनलाइन, ठीक है, तो फ्लिपकार्ट पे जब बिग बिलियन डेज स्टार्ट होता है तो क्या होता है, एक बहुत ही आकर्षण का केंद्र होता है, लोग वहां पे जाके शॉपिंग करना पसंद करते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं अ बिग ड्रॉ। ठीक है, बहुत बड़ा ड्रॉ होने वाला है। ठीक है, जैसे कि होता है ना लकी ड्रॉ, तो ऐसे समझो एक बहुत बड़ा लकी ड्रॉ होने वाला है, मतलब कि वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लोग सोचेंगे अरे यार बहुत बड़ा बड़ा वहां पे लकी ड्रॉ चल रहा है, चलो हम लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। सेंटेंस देख लो,
ई कॉमर्स सेल्स आर बिग ड्रॉ नाउ अडेज। सही बात है कि ई कॉमर्स का जो सेल होता है आजकल अट्रैक्शन का केंद्र होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ बर्ड्स आई व्यू, मतलब ऊंचाई से विस्तृत दृश्य। तो आपने देखा होगा कि चिड़ियां बहुत ऊंचे किसी पेड़ पे या बिल्डिंग पे बैठती है, तो वहां से क्या देखती है, एक जनरल व्यू देखती है। ठीक है, एक विस्तृत दृश्य देखती है। जैसे कि आप बहुत ऊंचाई पे होगे तो आपको एक लार्ज वाइड व्यू दिखेगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अ बर्ड्स आई व्यू, अ जनरल व्यू फ्रॉम द एयर। ठीक है, ऊंची जगह से जब आप एक जनरल व्यू देखते हो, ठीक है, ब्रॉड व्यू देखते हो, उसी को बोलते हैं अ बर्ड्स आई व्यू। सेंटेंस देख लो कैसे बनेगा। कुड समवन गिव अस अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द प्लान बिफोर वी डिस्कस द स्पेसिफिक डिटेल। ठीक है, अंदर कह रहा है कि क्या कोई मुझे एक ऊंचाई से विस्तृत जानकारी दे सकता है प्लान के बारे में, ठीक है, एक जनरल व्यू दे सकता है इस प्लान के बारे में। जब तक हम स्पेसिफिक डिटेल उसके बारे में, तभी हम लोग उसकी बातचीत करेंगे, जब तक कोई मुझे एक जनरल व्यू नहीं देता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, मतलब क्या है, दुख के भेष में सुख। ठीक है, डिसगाइज मतलब होता है अस्त व्यस्त, कोई दुख हो, ठीक है, कुछ मिस हैपेन हो जाए, मिस फॉर्चून हो जाए, तो उसमें आपको एक ब्लेसिंग मिलेगा। आप सभी लोगों ने ये एड देखा होगा 5 स्टार का, ईट 5 स्टार डू नथिंग, कि ये औरत बोलती है कि मेरा स्टिक उठा दो गिर गया है, तो ये कहता है ओके कुछ नहीं करता। तो जब ये उठती है अपना स्टिक उठाने के लिए, तो ऊपर से देखती है कि यहाँ से एक सोफा गिरता है, तो उसकी जान बच गई। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं दुख के भेष में सुख। एंड अपेरेंट मिस फॉर्चून डेट इवेंचुअली हैज गॉट गुड रिजल्ट, अ हिडन फेवर, समथिंग डेट सीम्स बैड टर्न्स आउट टू बी गुड। कुछ ऐसा जो पहले तो लगे कि बहुत ही बुरा होने वाला है, लेकिन क्या हो, अचानक से वो अच्छा हो गया, उसी को बोलेंगे अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ओके, सेंटेंस देख लो। COVID-19 वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मेनी पीपल। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के लिए जो ऑनलाइन काम करते थे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए क्या था, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ ब्लू आइड बॉय, ठीक है, एक लड़का जिसकी आंखें क्या है, नीली है। तो नीली आंखें वाले लड़का क्या लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है, ठीक है, सबका फेवरेट हो जाता है। ठीक है, तो अ ब्लू आइड बॉय मतलब क्या होगा, आंखों का तारा, वन हु इज फेवरेट। ठीक है, किसी की नीली आंखें होती है तो आकर्षण का केंद्र हो जाता है, वो बहुत ही प्यारा लगता है। ठीक है, तो ऐसा बच्चा जिसकी आंखें क्या है, नीली है, अ ब्लू आइड बॉय मतलब क्या है, वन हु इज फेवरेट। ओके, सेंटेंस में देख लेते हैं। एवरी वन नोज रोहित इज टीचर्स ब्लू आइड बॉय। ठीक है, सबको पता है कि रोहित जो है शिक्षक का क्या है, फेवरेट स्टूडेंट है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब क्या है, आकस्मिक घटना। ब्लू से आप रिलेट कर लो स्काई, ठीक है, बोल्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक बोल्ट, अचानक से ब्लू स्काई है, क्लियर स्काई है, और क्या हो जाए, बिजली कड़क जाए, तो क्या होगा, एक आकस्मिक घटना होगी। ठीक है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड, जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, कि अभी तो आसमान नीला है, ब्लू है, क्लियर है, ना यहाँ पे बादल थे ना कुछ था, और अचानक से क्या हो गई, बिजली कड़क गई। ठीक है, तो समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, ठीक है, वो अच्छा भी नहीं है, ठीक है, बिजली कड़कना तो अनप्लीजेंट भी है, अ कंप्लीट सरप्राइज, ठीक है, पूरी तरह से एक सरप्राइज होगा, अ सडन कैलामिटी एंड अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। ओके, एग्जाम्पल देख लो कि कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे। द न्यूज ऑफ हिज फ्रेंड्स डेथ केम टू हिम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, उसके दोस्त की मौत का खबर उसके लिए क्या था, एक आकस्मिक घटना थी, वो अनएक्सपेक्टेड था, उसे पता भी नहीं था कि मेरा दोस्त अचानक से क्या हो जाएगा, दे दे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब क्या है, झगड़े की जड़। दो कुत्ते हैं, उसके बीच में एक हड्डी डाल दो, अब क्या होगा, दोनों चाहेगा कि नहीं ये हड्डी मुझे मिले, वो चाहेगा कि नहीं ये हड्डी मुझे मिले, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, कॉज फॉर क्वारल। ठीक है, इसलिए मैंने ये पिक डाला कि आप रिलेट कर लो, बोन से याद रखना डॉग, दो कुत्ते के बीच में एक हड्डी डाल दो, झगड़े की जड़ हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो।
सीमा वाज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू फ्रेंड्स। ठीक है, दो दोस्त होंगे लड़के, उसके बीच में एक लड़की आ गई। ठीक है, अब दोनों को पसंद होगी कहीं सीमा, तो क्या होगा, बोन ऑफ कंटेंशन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते। नेक्स्ट है अ बुल इन चाइना शॉप, मतलब क्या है, शीश महल में बंदर या अनारी व्यक्ति। ठीक है, चाइना शॉप से मतलब क्या है कि बॉन्ड चाइना का आपने देखा होगा कि बर्तन होते हैं, कप होते हैं, उसमें बुल आ जाए। ठीक है, तो बुल क्या करेगा, इधर उधर भागेगा तो सारी चीजों को तहस नहस कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड क्लम्सी पर्सन। ठीक है, एक ऑकवर्ड पर्सन, विचित्र प्राणी, और आप बोल सकते हो क्लम्सी पर्सन। क्लम्सी पर्सन वो होता है जो जहां भी जाएगा कुछ ना कुछ नुकसान करेगा, कभी ये चीज गिरा देगा, कभी वो चीज तोड़ देगा। ठीक है, वो ना चाहते हुए कुछ गलत कर देता है, इसी को बोलते हैं क्लम्सी पर्सन, हमेशा हड़बड़ी में रहता है। तो अबुल इन चाइना शॉप का मतलब क्या है, शीश महल में बंद, मान लो कि शीशे के महल है, उसमें बंदर चला जाए तो बंदर क्या करेगा, कभी पत्थर इधर मारेगा उधर मारेगा, सारे चीज को तहस नहस कर देगा। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लो, एज ए पॉलिटिशियन ही वॉज अ बुल इन चाइना शॉप एंड ऑफन हैड टू अपोलाइज फॉर हिज रफ स्पीच। ऐसा पॉलिटिशियन है, ठीक है, जो कि क्लम्सी अनारी है, हमेशा कुछ ऐसा उपरांग शब्द बोल देता है अपने स्पीच में कि उसको हमेशा माफी मांगना पड़ता है लोगों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ बर्निंग क्वेश्चन, क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन मार्क क्या हो रहा है, जल रहा है। जल रहा है मतलब क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी तो वो जल रहा है। ठीक है, अब कोई अच्छा इंपॉर्टेंट कार्य करो, ठीक है, बर्निंग क्वेश्चन से याद रखो कि आप कुछ अच्छा करोगे, सरकारी नौकरी लग गई आपकी और रिलेटिव में नहीं है किसी का, तो वो जब क्वेश्चन पूछेंगे तो उनकी जल जाएगी कि क्या करते हो, तुमने बोला कि मुझे तो सरकारी नौकरी लगी है, बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, तो उनकी जल जाएगी। तो अ बर्निंग क्वेश्चन मतलब एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न। द क्वेश्चन ऑफ टैक्सेशन हैज ऑलवेज बीन अ बर्निंग क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ केक वॉक, ठीक है, मतलब अत्यंत सरल कार्य, समथिंग वेरी इजी एंड इजी अचीवमेंट, एक्सट्रीमली इजी। ठीक है, आपको अगर बोले कि केक पे चलना है, ठीक है, आपको ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है, जैसे केक पे लात रखोगे फर्श के साथ वो फिसलता चला जाएगा, आपको कोई मेहनत ही नहीं करना है, तो बहुत ही सरल कार्य होगा। ठीक है, अत्यंत सरल। कम्पिटेटिव एग्जाम्स आर नॉट केक वॉक दीज डेज, ठीक है, जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स है वो केक वॉक नहीं है आजकल, बहुत ही हार्श कंपटीशन है। नेक्स्ट बात कर लेते। नेक्स्ट है अ कैन ऑफ वर्म्स, मतलब जटिल परिस्थिति, आपको एक कैन दे दे उसमें खाली कीड़े भर दे, ठीक है, तो बहुत ही जटिल परिस्थिति हो जाएगी आपके लिए, प्रॉब्लम हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन हो जाएगा, कि आप जैसे ही उस कैन को खोलो उसमें से कीड़े निकल रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगा या एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होगा, या फिर आपकी बीबी को आपके ऐसे पॉकेट में से किसी लड़की का नंबर मिल जाए, फिर आपके लिए क्या होगा, अ कैन ऑफ वॉर्म्स। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ कैरोट एंड स्टिक अप्रोच। ठीक है, इस फिगर को देखो, ये क्या है, स्टिक है, और ये क्या है, कैरोट है। ठीक है, घोड़े के आगे लगा दिया, अब घोड़े को लग रहा है कि मुझे कैरोट खाना है, तो स्टिक आगे है, जितनी आगे बढ़ता जा रहा है, आगे चलता जा रहा है, उसको कैरोट मिल नहीं रहा है, तो उसको क्या बना रहा है, मूर्खी बना रहा है। तो अ कैरोट एंड स्टिक अप्रोच मतलब क्या होता है, साम दाम दंड, किसी प्रकार आपको क्या करना है, अपना काम निकलवा लेना है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवन्स बिहेवियर। ठीक है, या तो उसको इनाम दे दो या पनिशमेंट दे दो, किसी तरह आपको अपना काम निकलवाना है। ठीक है, उसी को बोलते हैं अ कैरोट एंड स्टिक अप्रोच। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे देख लो, आवर कंपनी यूजेज अ कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी, मोर मनी इज कैरोट एंड लॉस ऑफ जॉब इज ए स्टिक। कि हमारी जो कंपनी है वो क्या करती है, कैरोट एंड स्टिक अप्रोच को क्या करती है, अप्रोच बोल दो, पॉलिसी को फॉलो करती है, ज्यादा मनी आएगा तो कैरोट है, मेरे लिए फायदेमंद है, और लॉस हो गया, लॉस ऑफ जॉब इज ए स्टिक। ठीक है, अगर जॉब लॉस हो गया तो वो क्या है, स्टिक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ चेंज ऑफ हार्ट, आपके दिल में चेंज हो गया। ठीक है, मतलब आपके विचार में क्या आ गई, बदलाव आ गई, अ चेंज इन समवन्स ओपिनियन, किसी भी व्यक्ति के ओपिनियन में जब कोई बदलाव आता है तो उसी को बोलते हैं अ चेंज ऑफ हार्ट। ठीक है, उसके दिल में, हृदय में बदलाव आ गया,
ठीक है, उसके विचार में बदलाव आ गया। तो हर्ट से रिलेटेड कुछ इडियम्स है, ठीक है, और भी है जो कि आपके लिए बोनस है। चलिए मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि पढ़ना आसान हो जाएगा। इसको जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से पता चल जाए। तो क्या हैव अ हार्ट, आपके पास दिल है, हृदय है, तो आप क्या है, मर्सीफुल है, दयावान। ये क्या हैव योर होना चाहिए, हैव योर हार्ट सेट ऑन समथिंग, आपका दिल किसी चीज पे अटक गया है, सेट है, मतलब क्या, आप उस चीज को बहुत ही दिली इच्छा है कि आप वो चीज, कि आपकी दिली इच्छा है, टू वांट समथिंग वेरी मच, आपको उस चीज की बहुत ही चाह। ईट योर हार्ट आउट, मतलब क्या है, वी से दिस वेन वी मेक समवन जेलस, ठीक है, मतलब अपना कलेजा निकाल के खा, ठीक है, मतलब क्या, वो आपसे क्या हो रहा है, जलन हो रहा है, किसी को जब जलन होती है, अत्यधिक जलन होती है, तब हम ये idiom का यूज करते हैं, ईट योर हार्ट आउट, ओके, इन अ हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट बहुत तेजी से बीट करता है, तो वेरी क्विकली विद आउट एनी हेजिटेशन, ठीक है, अ हार्ट ऑफ स्टोन, ठीक है, पत्थर का दिल है, मतलब कोई फीलिंग्स नहीं है, नो फीलिंग्स, लूज वंस हार्ट टू, ठीक है, अपना दिल हार देना, मतलब क्या, प्यार में पड़ जाना, क्रॉस माई हार्ट, ठीक है, मेरे दिल को पार कर गया, मतलब तुमने कोई सच्चाई बताई, टेल द ट्रूथ, हार्ट एंड सोल, मतलब कंप्लीटली और इंटायरली, वियर्स हार्ट ऑन हिज स्लीव, ठीक है, आस्तीन में अपना हार्ट क्या कर रहा है, पहन के चल रहा है, मतलब ऑलवेज लेट्स फीलिंग बी नो, उसकी फीलिंग क्या है, हर किसी को पता है, ब्रोकन हार्ट आप सभी को पता है, टू लूज लव, नो बाय हार्ट, मतलब मेमोराइज करो। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते, नेक्स्ट है अ चाइल्ड्स प्ले, मतलब क्या है, आसान काम, बच्चों का खेल होता है कोई भी चीज, जैसे आप बोलते हो क्या रे, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, या तो मेरे लिए बच्चों का खेल है, मतलब समथिंग दैट इज वेरी इजी, कोई चीज जो बहुत ही आसान हो उसको बोलते हैं चाइल्ड्स प्ले, ओके, एग्जाम्पल देख लो, वोकैब इज अ चाइल्ड्स प्ले फॉर स्टूडेंट्स नाउ, ठीक है, आप हमारी क्लास करोगे तो आपके लिए क्या होगा, वो क्या एक चाइल्ड्स प्ले होगा, बच्चों का खेल होगा, बहुत ही आसान होगा, क्योंकि हम इसमें यूज करते हैं डिफरेंट टेक्निक, पिक्चर टेक्निक, ज्यादा देर तक आपको चीजें याद रखेंगी, लंबे समय तक कुछ स्टोरी बताता हूँ, नेमोइंग्स बताता हूँ, ट्रिक्स बताता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ठीक है, पुराने जो ब्लॉक है उसका एक टुकड़ा, मतलब कह सकते हो कि वो ऐसा ही कैरेक्टर रिजेंबल कर रहा है जैसा कि वो फुल ब्लॉक था, क्योंकि उसी का आपने एक टुकड़ा निकाला है, ठीक है, तो एक कहावत है हिंदी में, जैसा बाप वैसा बेटा, ठीक है, तो जैसा बाप होगा बेटा भी उसी नक्शे कदम पे चलता है, ठीक है, थोड़ी सी वैसी ही झलक आती है, ठीक है, तो अचीव ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होगा रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर, ठीक है, सम वन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर, जो अपने पिता के कैरेक्टर का सिमिलर हो, रिजेम्बलिंग पेरेंट्स, जैसा बाप वैसा बेटा, ठीक है, जैसे देख पा रहे हो इस एग्जाम्पल को देख लो, जैसा बाप वैसा बेटा, ब्लॉक है ये, चिप है, ठीक है, ये माइक्रोन है उसका भी बेटा, सेंटेंस में कैसे यूज करोगे, माई फ्रेंड इज क्वाइट हेल्पफुल लाइक हर फादर, सो ही इज अ चिप ऑफ द ओल्ड, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है अ क्लोज सेव, ठीक है, मतलब क्या है, बाल बाल बचना, तो आप सेविंग करते हो तो एकदम क्लोज करते हो, अगर ज्यादा थोड़ा सा भी इधर उधर किए तो आपके चेहरे पे कट आ सकती है, ठीक है, तो आप बाल बाल बचते ही हो जब भी सेविंग होती है इस तरह से, तो अ क्लोज सेव याद रखना, बाल बाल बचना, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, ठीक है, सेविंग करना भी एक डेंजर का कार्य है, ठीक है, आप नैरो एस्केप ही करते हो कि थोड़ा सा इधर उधर होगा तो आप गए। आइए सेंटेंस देख लेते हैं, द एक्स ऑलमोस्ट हिट एंड इट वॉज जस्ट अ क्लोज, कुल्हाड़ी ने चीटी को क्या कुचल ही दिया था, काट ही दिया होता, लेकिन वो क्या हो गया, थोड़े से बच गया, नैरो गैप से बाल बाल बच गई चीटी, देख पा रहे हो कैसे ये एक्स है, यहाँ पे ये चीटी है, बाल बाल बच गई, ठीक है, नैरो गैप, नैरो एस्केप हो गई। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है अ क्लोज्ड बुक, और कोई किताब बंद है तो क्या है, एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है, ठीक है, और भी है बुक से रिलेटेड, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं, तो मैं जूम वाला ले आता हूँ फिर से आप लोगों के लिए ताकि पढ़ना आसान हो जाए। अब क्लोज बुक तो पढ़ लिया, अब ये है एन ओपन बुक, खुली किताब है, मतलब कोई भी सीक्रेट नहीं है,
आपने कोई भी सीक्रेट छुपा के नहीं रखा है। समवन दैट इज इजी टू नो अबाउट बिकॉज नथिंग इज केप्ट सीक्रेट। ठीक है, ब्रिंग समवन टू बुक, किसी को किताब के पास लाना, मतलब उसको पनिश करना, टू पनिश समवन व्हेन दे हैव डन रॉन्ग। ठीक है, आपको सारी कानून की धाराएं याद नहीं होती है तो क्या करते हो, किताब लाते हो कानून की, ठीक है, उसको उसके पास ले जाते हो, फिर उसमें से देख के बताते हो, अरे तुमने ये गलती की है, तुम्हें ये सजा मिलेगी। ठीक है, टेक अ लीफ आउट ऑफ समवन्स बुक, किसी की किताब से आपने पत्ती निकाली, ठीक है, पत्ती निकाली मैंने मतलब आपने क्या कर दिया, कॉपी कर लिया, टू कॉपी व्हाट समवन एल्स डज बिकॉज दे आर सक्सेसफुल एट डूइंग इट। ठीक है, जैसे एग्जाम में आप क्या करते हो, नकल कर ले, तो सामने वाला अगर अच्छा बच्चा होगा जो कि पूरा लिखा होगा तो आप उसमें से क्या कर ले, तो चोरी कर ले, तो कॉपी कर ले, तो उसी को बोलते हैं टेक अ लीफ आउट ऑफ समवन्स बुक। ठीक है, नेक्स्ट है रीड समवन लाइक अ बुक, किसी को किताब की तरह पढ़ेगा, मतलब टू अंडरस्टैंड इजिली व्हाट समवन और समवन इज थिंकिंग। ठीक है, कि आप किसी को बड़ी गहरी तरीके से जान जाते हो आसानी से, इसी के लिए यूज करते हैं रीड समवन लाइक अ बुक। ठीक है, द ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अ डिजॉनेस्ट एक्शन दैट हैज बीन यूज मेनी टाइम्स। ठीक है, ऐसी चालाकी जो आपने क्या की ओल्ड बुक से ली, ठीक है, पुरानी चालाकी थी जो आपने बुक से देखी, मतलब क्या है कि एक डिजॉनेस्ट एक्शन है जो कि बहुत बार यूज हो चुका है। नेक्स्ट है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है, तो किसी को कवर से आप जज नहीं कर सकते, बाहरी ठीक है दिखावे से किसी के बारे में आप ओपिनियन नहीं दे सकते, नॉट टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट समवन ओनली फ्रॉम देयर अपीयरेंस। ठीक है, कुक द बुक्स, किताब को पका देना, मतलब क्या है, टू चेंज अकाउंट एंड फिगर डिसऑनेस्टली यूजली टू गेट मनी। ठीक, कुक द बुक मतलब क्या होता है कि आप अकाउंट ही बदल देते हो, क्यों, क्योंकि आपके मन में क्या खोट है, आप डिसऑनेस्टी करते हो, स्पेशली कब, यूजली ये कब यूज होता है, जब आप पैसों की हेरा फेरी करते हो। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कुक द बुक्स, आप अकाउंट ही बदल देते हो पैसों की हेरी फेरी करने के लिए। नेक्स्ट है इन समवन्स गुड बुक, किसी के अच्छे किताब में हो, मतलब क्या है, यूज फॉर सेइंग दैट समवन इज प्लीज विथ यू, कोई आपसे क्या है बहुत ही प्लीज है, ठीक है, आपके प्रति अट्रैक्टेड है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इन समवन्स गुड बुक। बाय द बुक, किताब के जरिए, मतलब फॉलोइंग ऑल द रूल्स फॉर डूइंग समथिंग इन अ स्ट्रिक्ट वे। तो आज के लिए बस इतना ही, आज का क्लास आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और कमेंट में हमें जरूर से जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस लेक्चर पे चाहिए, कौन से टॉपिक्स पे चाहिए, जो भी चीज़ें आपको डिफिकल्टी जाती है आप हमें कमेंट में बता सकते हो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।